सहज न लगो पाओ शब्द साध ना पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है ये गुरमुख सच समाए मन परतीत ना आईया सहज ना लगो पाओ शब्द साधना पायो मन हठ क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है ये गुरमुख सच समाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावै रखो शर्म असाड़ी जी सतगुरु पातशाह दे साजी सवारी सत्संग जीओ अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरपीरा पोथी परमेश्वर का थान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जो अमृत वेले हुक्म बख्शिश कीता है सचखंड हरिमंदर साहब तो आपने हुक्म सरवण कीता उपरंत सतगुरु दे सवारे भाई साहब जी ने आप जी नु हुक्म दा पहला श्लोक सरवण करवाया है। बेहागड़े दी वार विचों अज एक पौड़ी ते दो श्लोकां दा विचार असी करना है। सतगुरु दियां खुशियां प्राप्त करनियां हन ते खुशियां इसे गल विच हन सानू शब्द दी सोझी होवे शब्द नू माध्यम बना के परमात्मा विच लीन हो सकीए जुड़ सकीए। श्लोक पहला साहिब गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया होया है उन्हां दा अनुभव है कोई सुने सुनाई गल नहीं कर रहे अनुभव है इस साधना विच्चों काल विच्चों वो गुजरे हैं। एक बुनियादी गल पहले आपने ध्यान विच लै लैनी ताकि शब्द दी विचार समझ विच आ सके। योग एक मत भी चले आ पर योग दा अर्थ हुंदा जुड़ना परमात्मा नाल जुड़न वास्ते रब पाउण वास्ते उस विच लीन होण वास्ते मार्ग दो बन गए एक हठ योग एक सहज योग। हठ योग नूं सतगुरां ने प्रवान नहीं कीता बाणी विच बड़ा स्पष्ट कहा और इत्थे तक कह दिता है मन हठ किन्ने ना पायो एक ने भी नहीं पाया किसे भी नहीं। मन हठ मन दे हठ नाल किन्ने ना पायो सब थके कर्म कुमार
कर्म करदे करदे करन वाले थक गए, टुट गए, उम्र मुक गई, पाया कुछ भी नहीं। दूसरा है सहज योग, इसनू सतगुरां प्रवान कीता। गुरमत दी काल है सहज विच, हठ विच नहीं। हठ कर मरे ना लेखे पावे, किसे लेखे नहीं पैंदी। वेस करे ले पसम लगावे, और खुलासा कर दे हां। मन हठ जिथे हुंदा एक उथे प्रतीति नहीं हुंदी, श्रद्धा नहीं हुंदी। मन हठ विच कोई प्रतीति नहीं, सहज भी नहीं, और प्रेम भी नहीं, और शब्द का स्वाद भी नहीं। जिहड़ा कर्म करिए ना श्रद्धा बने, ना सहज आवे, ना भाव होवे, ना कोई शब्द का रस होवे। हठ नाल बंदा करी जाए, मन हठ वाला करदा की है। श्रद्धा प्यार वाली गल नहीं, उत्थे ते वो गिनती करदा है कि टाइम किन्ना हो गए, योग किन्ने सालां दा हो गया जी। 12 साल योग हो गए, 12 गिनदा कौन रहा। मन हठ वाला उसका ध्यान एक गल वल हो रहा है कि शरीर नू किन्ना ज्यादा दुख देता, भुखा किन्ना चिर रहा। आम बंदा इन्नी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो धूनिया तपा के बैठ जाना, आसे पासे अग बाल लैनी, जे ठंड है तो पानी च खड़े हो जाना। जिन्ना कोई शरीर नू कष्ट देवे, दुख देवे, खड़ा रहे राती समय ना, नंगे पैरी फिरे, पेट तो भुखा रहे, उन्ना ही वड्डा योगी। सतगुरां ने इस गल नू कंडम कीता, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एहन इस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता। गुरु तो बिना सुता जागदा नहीं। गुरमत है कि जेड़ा कर्म करदे हो रब ते श्रद्धा पक्की बने, प्रतीति वध जाए। पाठ करो, ये ना होवे कि गिनती ते करी जावा ते प्रतीति बने कोई ना। गिनती करी जावा, मैं इन्हें कर ले, दूसरे तो वध कर ले, बहुत ज्यादा कर ले, मैं भुखे रह के कर ले, इस नाल हौमे ते वध जाएगी। पर ना कोई शब्द दा रस आना है, ना प्रतीति बननी है। बड़ा स्पष्ट साहबा ने कहा, आओ सरवण करो, एक बार आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। हां जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। साहेब गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया होया है जी। मन पर तीत ना आईया, सहज ना लगो पाओ। मन दे नन्ने नू सियारी, इसका अर्थ है मन वेचे प्रतीत ना आईया, प्रतीत नहीं आई। प्रतीत तो बिना ते गुरमत दा कोई कर्म प्रवान नहीं। जिस कै मन गुर की प्रतीत, तिस जने आवै हर प्रभ चीत। हौमे प्रतीति तो बिना मुकनी नहीं। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हौमे मत मेरी। नाल स्पष्ट कह देता है, शब्द नाल प्रेम नहीं बनिया, मन विच प्रतीत नहीं आए। एक बारी आउण दी गल नहीं, 100 गेड़े रोज दे मार किसे काम नहीं। इंज है, किसान ने खेत बीजिया, दूजिया नूं सिटे पै गए, इहनूं क्यों नहीं पाए। वैसे वेखना चाहीदा है कि रुत ते गुजर गई, मेरी खेती नूं मेरे बूटियां नूं फल क्यों नहीं पाए, या सुंडी लग गई, कीड़ा पै गया,
या पानी नहीं ठीक मिले या बंदा बंदगी करे हुण भगती करे सेवा सिमरन करे ते फल ते है कि उन्हूं शरदा दा फल लगे शरदालू बन जाए सहज विच आ जाए प्रेमी हो जाए शब्द दा रस आउणा शुरू जिन्हें नवा पहले दिन ही पढ़े है उन्हूं ते ना समझ आए सारी उम्र गुजर गई उसनूं भी रस ना आए फिर फल नहीं लगा सोचना चाहिए मैं करदा की रहा कर्म कांड विच ते सहज योग विच फर्क आ कर्म कांडी की करदा करदा ते है पर रस कोई नहीं बल्कि कई बारी खिज जांदा मैं छोटा जिहा एक दृष्टांत कहां विचार बड़ी बरीक है उस तरह ही जरा समझ विच आ जाएगी ऐसा होया एक बारी शादी हुई पत्नी आई घर ते पति ने सौन लग्या मंगया पानी पानी लेके आ गई उहदी अख लग गई पर वो बड़ी शरदालू सी पति ते शरदा सी पति भी रब दे भै वाला सी सारी रात ही खलोती रही सवेरे अख खुली लगा तू कदों दी खड़ी कहन लगी पानी जदों मंगया फिर तुसी सौ गए ते मैं जगाया नहीं लो जल छको कहन लगे तू सारी रात किवें खड़ी रही कहन लगी मैं नहीं खड़ी रही तुहाडे प्रेम ने मैनू खड़े रखे आ प्यार नाल मैनू पता ही नहीं लगा मैं ते प्रेम च खड़ी रही शरदा च खड़ी रही पति मेरा भगवान दा रूप है मैं खड़ी रही राजे सदया सन्मानित कीता राणी ने 9 लख हार ला के उहदे गल पा दिता हुण नाल सी गुआंढ नूं सड़ बल गई कहन लगी इन्हें किहड़ा तीर मारिया गलास लैके खलोती रही हार मिल गया मैं कल नूं खड़ी रहांगी इह किहड़ा काम चो काम है आया पति कहन लगी इह जी गल सुनो अखां बंद करके पैना एक वारी कहना पानी ते खबरदार जे मुड़ के अख खोली फिर अखां बंद बस फिर सवेर नूं चार डरदा सी थोड़ा कोई पत्नी तो भी डरदे डाकल होंदे ने कह लगा 7 बचन जी अखां बंद करके पिया पानी हुण जरा कवे वेखे उधर कह लगे वेखदा ते कोई भी नहीं है कोई नहीं ते मैं भी अख ला लवां तड़के उठ के फिर खलो जांगे सौ गई ते सौ गई अख लगे दिन चढ़ाया उन्हें हिलाया कह लगा किथे तेरा गिलास पानी उठ के खलो लोकी वेख लैणगे उठी पर लोकम वेख लिया फिर भी राजे कोल गई कह लगे गिलास पड़ के मैं भी खलोती कह लगे फर्क है बस ये कर्म कांड की व्याख्या इहनू कहिंदे ने कर्म कांड ना शरदा ना भावना ना प्या एक लोभ वास्ते खलोती उसनू मैं बुलाया नहीं मैं उसनू ये नहीं गल आखे भई तू जो कीता है सन्मान वास्ते कीता नहीं मैं ते उसनू सन्मान इसलिए कीता पति दे प्रेम विच कीता और सुभाविक हो गया तुहानू बेनती करा बंदगी वो जड़ी हो गई कहन लगे उसने सन्मान मंगया नहीं मैं दिता कर्म कांडी की करदा गिलास ते वो भी फड़दा सेवा दा गिलास फड़ लिया सिमरन दा फड़ लिया पर विखाउण लई पर कोई ना वेखे सौ जाएगा किसे नूं विखाउण वास्ते 2 बजे भी उठ पाएगा ते जे ना कोई वेखे फिर 8 बजे भी नहीं उठना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜਉ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਏ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਏ ਆਂਖ ਮੀਚ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾਵੇ अंदर के पदवी ते पावा आंख में चमग सोज ना जाए ताहे अनंत मिले कैंपा
बहुत सारे फकीर दरवेश सतगुरां नूं मिले। सतगुरां ने कहा तुहाडा मन हाठा है, यह तो इंज है कि जिवें किसी नूं कोई आखे कि कम करने ते तेरे सिरे लग जावांगा। ना ना मेरा कम कीता, खुदकुशी करांगा, भुखा मर जावांगा, पैरों नंगा रहा। तुसीं ते रब दे सिरे लग रहे हो, प्रेम वाली गल कोई नहीं। सतगुरां नूं प्रेम है भाई, लैना सारी सारी रात खलोते रहिंदे सानू सतगुरां आवाज देनी लहने आ, दूसरी आवाज नहीं देनी पाई। हाथ जोड़ के आखना सा महाराज की हुक्म। गुरु अमरदास जी ने ते बाणी च भी लिखा, मन तन आगे राख है ऊ भी सेव करे। सेवा करनी इंज हस्ते सिर ज्यो अंक सहै, अहरण ज्यो सिर दे। मन तन आगे राख है ऊ भी सेव करे। इहों गुरमुख आपने वारी है, सब राज श्रेष्ठ का ले। जिन्ना बंदियां नूं शरदा बनी कोई नहीं, बैठे भी रहे शरदा भी नहीं। मैं होर एक सबूत तुहाडे सामने रख दिया, गुरु घर विच भी ऐसे बंदे रहे ने कि लंगर पानी भी टका के छकना, थोड़ा नहीं रहना भी कोल, शरदा भी कोई नहीं और करनी भी गुरु की निंदा। इसे अमृतसर की गल है, वेख्या बाबा बुढ़ा साहब ने, वेख्या भाई गुरदास जी ने, उन्होंने एक पौड़ी भी लिख दी। वो टोला निंदकां दा की करदा सी, लंगर दे टाइम सब तो पहले बाहर कट्ठे होके बैठ जाना ते फिर गुरु दी निंदा करनी। उन्हें पौड़ी लिखी तुहानू सुना देगा। कह लगे पहले गुरु धर्मसाल च बैठते सने, गुरु चंगा है तो बैठता ही नहीं। पहले गुरु बाणी उचारण करते सने, ना एक पंक्ति नहीं उचारण की। पहले गुरु बाणी करके गुण गाते सने तो भजे फिरते ने, कुत्ते रखे ने, शिकार चले जाते ने। पहले गुरुआं नूं राजे मत्थे टेकन आउंदे सने, इन्हां नूं ग्वालियर दे किले च बंद कीता, निंदा करते। भाई साहब जी कहिंदे ने रहिंदे भी कोल, कादी तुहाडी बंदगी, ना तुहाडे विच शरदा, ना तुहाडे विच प्रेम। धर्मसाल कर बही दा इकत थान न टिके टकाया, पातशाह घर आम दे गढ़ चढ़िया, पातशाह चढ़ाया, उम्मत महल न पाम दी, नठा फिरे न डरे डराया, मंजे बह संतोख दा कुत्ते रख शिकार कराया, सेवक पास न रखन दोखे दुष्ट आगू मोलाया। भाई साहब कहंदे ने सिख बनो, सच ना लुके लुकाया, चरण कवल सिख पवड़ लवाया। हाथ जोड़ के एक बेनती करा, जिहड़ा गुरु दी निंदा करदा या सुनदा है ना, वह सिख है ही नहीं, तो सिखी तो दूर है। सब तो वड्डी बेअदबी जे कोई है ना, वह यह है कि गुरु की निंदा करनी, गुरु ते शरदा ना होनी, और गुरु नू छड के होर किसे नू महानता दे लैनी। मैनू एक दिन ध्यान आया कुदरते, पहली बार उस जिंदगी च ख्याल आया कि बेअदबियां दा सिलसिला चलिया है, खाली भी केड़ा रुकिया। तो सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए। राम राय ने कोई अंक ते नहीं सी फाड़िया, तुहानू पता ही है कि राम राय नू क्यों सतगुरां ने आख्या, इन्हें बाणी की बेअदबी कीती, ये ना मेरा सिख है ना मेरा पुत्र है। जिधर इसका मूह है चला, सिर्फ एक लफ्ज उन्हें होर दा होर पढ़ देता कि मिट्टी मुसलमान की नहीं जी, मिट्टी बेईमान की। सतगुरां कहा तू बेअदबी कीती, जिन पै अदब न बाणी थारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। सब तो वड्डा बेअदब तू। बेअदब बंदा वो है गुरु जो कहिंदा है वो मनदा ही नहीं, दूर है उस तो, करदा होया भी दूर है, घल ना वेखण नूं भी जापदा, सेवा करदा, वो भी सिमरन करदा, लेकिन हठ विच करदा, गिनतियां करदा, हंकारी है, प्रेमी नहीं, सहज विच नहीं। मन प्रतीत ना आया, मन विच शरदा नहीं आई, सहज विच नहीं आया, भाव नहीं लगा, प्रेम नहीं।
अगली पंक्ति श्रवण करो जीओ। शब्द साधना पायो, तन ने हो जिन्हां शब्द रस आ जाए। शब्द दीपक वरतै ते हलोए, जो चख सो निर्मल होए। हे रसना तू नाम रस चख, शब्द का स्वाद वेख। जे शब्द का रस आ गया त्रिपत हो जाएंगी। जिन्ना पाने का रस आया तिन्ना अंतर ब्रह्म वसाया। शब्द पढ़दिया बाणी का रस आ जाए, टिका बन जाए। जिथे टिका है, जिथे सहज है, उथे रस है। एक गल याद रखनी, कीर्तन हो रहे है रस तां आवेगा जे मन का टिका बन गए। कथा हो रही है रस तां आवेगा मन टिक जाए। मन ना टिके भावे कोई कीर्तनिया कीर्तन करी जाए, टिकाऊ नहीं, बंदा उठ के तुर जाएगा। बाकी बैठे एक उठ के जे तुर जाता है, कारण की है? नहीं टिका बनिया, हिलिया पे है, ध्यान किसी होर पासे है, रस नहीं। जिथे टिका नहीं उथे रस आ। मरदाने कह दिता सी बाबा जी, भाई लालो दे प्रशादे च अमृत रस है। कहन लगे बनाउन वाले टिके ने, ये लंगर जिन्ना तैयार किया टिके ने, मन टिके है। जिस बीबी ने लंगर तैयार किया मरदानिया, उसका मन टिके है। ये छकाउन वाले का मन टिके है, ते छकन वाले आंदे तेरा भी टिके है। अज टिकया ना हुंदा कोई रस ना हुंदा। मन टिकया होवे ते कोदरा भी अमृत है। जिन्हों का मन नहीं टिकया, अमृत लैके तुसीं पिछे पिछे तुरे फिरो। किथे ओ कहंदे ने जी अगले साल, क्योंकि मन अडोल नहीं, मन टिका विच नहीं, मन विच श्रद्धा नहीं, मन विच प्रेम नहीं। शब्दे साधना पायो, मन हट गया गुण गाए। गुण गाया ते मैल उतरने सी, रब दे दरवाजे खुलने सन। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए होमे बिख फै। होमे बिख दा फैलाओ, पसारा मुक जाना से। पर गुण गाए की उसने गाए, जिस दे मन विच टिका नहीं। शब्द दा जिसनु स्वाद नहीं आया। सत्ते बलवंड नु जे सतगुरां कह दिता तुहाडे कोलों शब्द नहीं सुनना, बड़ी विचार वाली गल है। वो को कविता नहीं सन सुनाउंदे। ऐसा नहीं कि कविता कवाली सुना रहे सन, नहीं। शब्द भी गुरु नानक देव दे, ये भी कहंदे, ये भी नहीं तुहाडे कोलों सुनने। पता क्यों? तुसी शब्द दा रस गवा बैठे हो, हंकारी हो गए हो, अभिमान आ गया है। तुसी ये समझ लिया है कि असी ना कीर्तन करिए, तुसी शब्द नू पिछे छड़ दिता, राग अगे लै आंदा। शब्द नू ते किसे पुछना नहीं, साढ़े राग करके लोके सुनदे ने। बड़ी ध्यान नाल सुनना, असी राग चंगा गाउने आ, नहीं ते निरे शब्द नू जिहड़ा कहना सी ना, मरदाना ना हुंदा। ते गुरु नानक देव नू कौन पुछदा सी मरदाना? मरदाना ते साज वजाउंदा सी, इहदा भाव राग उपर आ गया। ससी राग गाउने आ, साढ़े कारण चलदा। सतगुरु कहन लगे शब्द दा ते तुहानू रस आया कोई ना। जदों शब्द दा रस आया पछताए, उन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कर दित्ती। नाउ करता कारण करे, क्यों बोल होवे जो कीम दे। देखो ना सत भाण पुराव है, पर रंग दान पड़ी हुंदे। नानक राज चलाया, हुण कहंदे ने मरदाने नहीं, गुरु नानक देव ने राज चलाया। सच कोट सतानी नहीं हुंदा। ये मैं बचन तां तुहाडे नाल सांझे कीते। पाठ करदे हाँ, सारे करदे हाँ, सेवा करदे हाँ, सिमरन करदे हाँ। हुण ध्यान नाल वेखना, मन हठ नाल नहीं करना, सहज नाल करना। जो मैं करदा, जे उम्र लंघ गई ये करदिया, ते मेरे अंदर को प्रतीति पैदा होई है, ये श्रद्धा आ गई है कि हर कार्य मेरा सतगुरु करेगा।
ऐसा कोई कार्य नहीं जिस लई मैनू गुरु छड़ के किसी कबर ते जाना पवे। इहदा भाव जाण वाला किसी थां ते भी जिहड़ा सिख खलोता ना बाणे वाला, मैं तो उन्हूं सिख नहीं कहिंदा। इसलिए उन्हूं एक ते ध्यान आ गया कि कार्य गुरु कोलों नहीं होना, किसी होर थां तों करवा लवां, होर कौन कर देगा। गुरु का सिख ते कहिंदा मेरा मरन जीवन इत्थे ही है, जो उन्हूं ठीक लगता कर देवेगा, जो नहीं ठीक लगता ना करे, मैनू प्रवान है, खिड़े मत्थे प्रवान है। जो हुआ हुवत सो जान है, प्रभ अपने का हुक्म पछाण, दाता जो देवे प्रवान है। जो राज देहे ता कमन बढ़ाए, जो पीख मगावे ता क्या कट जाए। पावे करा राज ते पावे पिछया, रहना तेरी शरण विच है। मैं कबरां वालियां कोलों जाके राज नहीं मंगने, मैं दर दर नहीं भटकना, होर थावां ते नहीं जाना। तुसीं गुरु दा भरोसा उच्चा करके वेखो, गुरु शहनशाहां दे शहनशाह बना देवेगा। गुरु दी शरदा, गुरु वर्गा कोई नहीं। धन ने ओ जिन्ना ये कहा सतगुर सच्चा पातशाह, कूड़े पातशाह दुनिया वे। गुर जैसा ना ही को कोई देवता ऐसा नहीं, गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। मेरा सतगुरु परमात्मा दा रूप है, सतगुरु विच ते अकाल नानक सोधे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुर ना ही भेद। उन्हें बंदिया ने शब्द दा रस लैके गुणा दा गायन किया। कहंदे ने मूल गल है कि रस आ जाए, भावना बन जाए, श्रद्धा बन जाए, और सहज विच थकावट कोई नहीं, कोई उचेच नहीं। जिवें साह लैंदे आ, कदी कोई थकिया? साह लैंदे आ थक गया तो समझो मर गया। श्वास आ रहे ने जा रहे ने, इसे तरह बंदगी हो रही है श्वासां दी। इहनूं कि अहसास साह सिमरो गोबिंद, मन अंतर के उतरे चिंद। गुरु ने गल कही है, गल वड्डी है टिका दी, वड्डी गल है सहज दे। मैं एक विचार अपने नाल सांझी करा। सिख पुछदे ने, कहिंदे ने पातशाह गल दसो, वध तों वध बंदगी सिमरन किन्ना चिर करना चाहिए, वध तो वध दसो। सतगुरु कहन लगे वध तो वध पुछदे हो? कहन लगे हां। ते कहन लगे फिर जिन्ने सुवास ने। महाराज ये औखा काम है। कहन लगे आप ही तुसी पुछे है वध तो वध, ते फिर दस दिता है। कहन लगे फिर थोड़ा जा नरम करो। कहन लगे घटो घट जिन्ने ग्रास खांदे, ग्राहियां गिन लो उन्नी वारी ते आखो ना। पंक्ति सुनावा, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए। महाराज होर घट नहीं हो सकता? कहन लगे हो सकता, घट तो घट किन्ने के नाल चल जाएगा। कहन लगे किनका एक जिस जी बसावा, पर नाल शर्त दे जी बसावा। गल वसन दी है, किनका तुसी वसा लिया ते दूसरा किनका नाल जुड़ जाएगा। वो बच्चे कई बार मूंह शहद ला देता ना, फिर मंगता कहता फिर ओही। एक बारी कि रस आ गया ना किनका, तो फिर छड़िया नहीं जाना। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी ना आवै। उस नाल जुड़ जाओ, गल है तुहाडे सहज दे, गल है उस टका दे। मन हट करके गिनतियां नहीं करनी, मन हट करके हंकार नहीं करना। गुण गाने ने वेखना फल की लगा, फल तुहाडे सामने प्रतीत है, सहज है, भाव है, शब्द दा रस है। हां जी, नानक आया सो परवान है। हुण इह ते सानू पता है भई दमड़ा आया वो ही साडे कोल परवान है, जिहड़ा चल जाए। जिहड़ा चले ना कहिंदे ने एवें लै बैठे। ये नहीं सोचिया मेरा आया प्रवान किवें है। वैसे हर बंदे नूं ना अपने आप नूं पुछना चाहिदा, मैं धरती ते ना हुंदा ते इत्थे घटदा की सी, ते मैं आ गया ते वधिया की। एक आलम ने बड़ा सुंदर कहा,
ना मैं था जिस दिन मैं नहीं सा, मैं संसार ते नहीं सा, ना मैं था तो खुदा था। रब ते है सी ना, कि मैं आया ते रब होवेगा, नहीं ते नहीं। ना मैं था तो खुदा था, ना मैं होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। मैं ना होंदा ते इत्थे हवा घट जानी सी, पानी घट जाना सी, धरती घट जानी सी, मैं वधाया की। मैं धरती दा बोझ हलका कीता कि धरती ते बोझ बनिया। बड़ा सुंदर बचन है, विसरिया जिना नाम ते भोए भार थीए, वो ते धरती ते बोझ होगा। पर माता खेवे शह सोए जिन गोए उठा ले, माता खेवे दे पति ओ ने धन गुरु अंगद देव जी ने धरती का भार चुक लिया। धरती का भार चुकना की है? नाम का एक किनका सारे पापा का बोझ उठा सकता, पाप मुका सकता। गहने धरे उन्हें एक नाम, पापा नाल करे अरजास निर्जासी ना कहा नाम नाल तोड़ लो। कहन लगे अज वेखांगे, एक बारी रब का नाम लिया तो सारे नरक वेले हो गए। एक बारी रब का नाम, इन्ने पाप उस सारे भस्म हो गए, मुक गए। नरकों छुट्टे जी जंत, काटी गलों सिलक जम फासे, मुकत जुगत नामे की दासे। आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए, गुरु की शरण पहले गुरु च हलूल हो जाए, गुरु च मिक्स हो जाए, गुरु च लीन हो जाए, सच विच परमात्मा विच लीन हो जाए। गुरु द्वारा गुरु चो गुजर के जाना परमात्मा तक, सच विच लीन हो जाए, उसका आया प्रवान है। हाँ जी, महला तीजा। श्लोक में साहिब श्री गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया हुआ है जी, अपना आपना पछाण मूड़ा, जिसनु मन हठिया कहा उसनु मूड़ा भी कहा। कि मूर्ख बंदा दूसरिया दिया ते गल्लां करदा, इस विच जी ये अवगण है, ये अवगण है, ये अवगण, अपना आपा पछाणदा नहीं। संतां महापुरखां ने ध्यान ते साडा दवाया, उन्हां कहा आप नड़े गिरीवान मैं सिर नीवां कर देख। एक साधु कहंदे ने कि जदों मैं अपने आप नूं नहीं सी वेख्या, दूसरिया दियां गल्लां करदा आ रही। जिस दिन दा नजर पै गया ना मैं कही हां, मेरी नजर च कोई भी बुरा नहीं रहा। मैं समझदा किसे दी गल की करनी, जिहड़ा किसे दा अवगण कही ना, ये ते मैं कई बारी कीता। वैसे सियाणियां कहा बंदे जदों भी किसे दा अवगण वेखे, जे तू आप ही कीता ते घटो घट फिर ते मुआफ कर दे, ये ते मैं भी करतूत कर चुका, ये ते अवगन मेरे विच भी है, ते काटा मेरे विच। याद होवेगी वो गल, एक औरत नूं लोकी पत्थर मारन लगे सन, क्राइस्ट ने कहा मारो, पर पहला वो मारे जिन्हें अवगन कोई नहीं कीता, सारिया दे हत्थां जो थले गिर गए। ये अवगन ते असी कीते ने। फरीदा आप नड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख, ना थी अपने हाल की जब हमें खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने जान पे जब के निगाह, निगाहों में कोई बुरा ना रहा। फिर ते बुरा रहा नहीं। कबीर साहब ने किसे कहा मित्र बनाउणा तेनों, कहन लगे कि शर्त है मैं बना ते लवांगा, तेरे मित्र बन जावांगा। कहन लगे शर्त दसो मैं पूरी करांगा। कहन लगे मुश्किल है नहीं मैं करांगा। कह लगे शर्त ही गल मन ले के कबीर सब ते हम बुरे, हम ताजे पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। दो ही बुरे ने संसार च, एक तू ते एक मैं, बाकी भले ने। मनन लई तैयार कौन मनदा? रब दे प्यारे कहंदे ने अपना मन ते वेख, अपने आप वल ध्यान दे, दूसरिया नूं वेखदा रहेगा। मुंडे दे अपना आप ना पछाणे मूड़ा, या वरां आख दुख, अपने आप नूं नहीं पछाणदा।
दूसरों का दिल दुखाउंदा गल ऐसी करदा। वैसे ना बुरी गल इंज है हंकार की गल, हंकार ही बंदे की गल है। बाणी च लिखे है जिवें सूल होंदी, पर जिस दिन कितने अपने नाल वरतदी है ना कोई आखे बंदे का मन तड़पदा है, कहिंदा मेरा दिल दुखाया वेख तू किन्ने अग दा दुखाया। मैनू एक इतिहासिक घटना याद आउंदी है, छोटिया मोटिया नाल गल कर लैनी तो सौखी है, वड्डे ने ना जेड़े औरंगजेब वर्गे इन्हां नाल गल करनी बड़ी मुश्किल। पर दशमेश पिता ने कीती, कहन लगे सुन मैं सुनिया, मैं वेखिया ते नहीं तेनू, मैं सुनिया कि तू सवेरे उठना पंज वक्त दा नमाजी है, कुरान भी हत्थां नाल लिखना, पर तेनू एक गल मैं दस दिया रब नाल तेरी कोई सांझ नहीं हो सकती। दुनिया च वाह वाह भावे करवा ला। जे औरंगजेब पूछे क्यों, कहन लगे न दानम तुरा मन न दानम के यजदा शनास। मैं नहीं जानदा, शनास हुंदा जान पछाण, रब नाल तेरी पछाण होवे क्यों। बरामद जे तो कर रहा दिल खराश, तेरे कोलो अनेक दिल वलूंदरेगा। तू अनेक दिल दुखाए ने, इसलिए दिल दुखाउन वाला बंदा रब दे नेड़े नहीं हो सकता। एक पंक्ति सुनो, करे गुमान चुबे तिस सूला को काढ़न को नाही। होर पंक्ति स्पष्ट करदे आ, कहंदे ने साकत हर रस साधना जानिया ते निअंतर होमे कंडा है, होमे ही कंडा। ज्यों ज्यों चलै ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै जम काल सहे सिर डंडा है। ए मूर्ख बंदे दी खसलत है, उहदे हर बचन विच दुख है। जो दूसरे नूं देंदा सूल दी तरह चबो देंदा, दूसरे दा दिल दुखा देंदा, और दिल दुखाना उहदी आदत बन जांदी है, महसूस ही नहीं करदा इसदा दिल दुखिया, और बल्कि उस नूं खुशी हुंदी है। साधी ने इत्थे तक कहा, मेरे कोलों जे पुछे ना सब तो मंदे भागां वाला कौन, बद बख्त बुरे भागां वाला बद किस्मत कौन है, वह कहिंदा जिस दी खुशी किसे नूं दुखी करन विच आ, सता के दूसरा दुखी होवे तो खुश हुंदा। मैला हासा है, दूसरा तड़पदा पिया है ते जालम हसदा पिया है। चंगे भागां वाला कौन है, कहंदे ने जिस दी खुशी है किसे नूं सुख दे के, किसे नूं खुश करके, किसे दुख मंडा के। गार इंसाफ पुरसी, फारसी पुरसी हुंदा पुछना, जब मातम पुरसी। गार इंसाफ पुरसी के बाद अख्तर कासे अस्त, कि दरिया जराह तच रंजे देगर कसते अस्त। किसे नूं रंज दे के, जेड़ा खुश है सब को मंदे भागां वाला, बुरे भाग तो फिर चंगे भाग क्यों ना बनाइए। जेड़ा बंदा दूसरियां दी असीसा इंज कहां, सवेर तो तुर पए हो, जे किते दस वी बंदियां दी असीसा तुहानूं मिल गईआं ना। बजुर्ग माता ने किसे ने कह दिता जा पुत्र रब तेरा भला करे, किसे गुरमुख ने कह दिता जाओ परमात्मा तुहाडा तुहाडे नालों भागां वाला कोई नहीं। दिहाड़ी च गिणिया करिए अज असीसां किन्नियां लईआं, अज बददुआवां किन्नियां लईआं, किन्ने बंदियां ने आखिया जा तेरा कख ना रहे, ये ना कोई आखे। बंदे असीसां लै किसे दा दिल ना दुखा, कहंदे ने अपना अपना पछाण है मूड़ा, अवरा आख आख के अवरा नूं आख के दुखाउंदा है, उन्हां दा दिल दुखाउंदा है। मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे, इस मन दे अंधे दी, ए नेत्रहीना नूं अंधे नहीं इत्थे कहा, अंधे न आखियां जिन मुख लोइन ना, ये अंधे कौन ने, मन करके अंधे मूर्ख बंदे, उन्हां दी खसलत आदत ए मुड़ दी जड़ी बन गई दिल दुखाउन दी, ए नहीं गई। हांजी विछड़ चोटां खाए, ऐसा बंदा विछड़दा और विछड़ के चोटां, विछड़दा किस तों, रब तों।
परमात्मा तो जेड़ा विछड़ जाए शुभ गुणा तो मैं विछड़ जांदा, गुरु तो मैं विछड़ जांदा, अवगुणा नाल हिरदा भल जांदा और जबान ते कुड़तन आ जांदी। एक पंक्ति तुहानू सुनावा, सतगुरु कहंदे ने सारियां कुड़तना कठियां कर लो, इस तो ज्यादा कुड़तन मनमुख दे मूह च वसती। केड़ी केड़ी? तुम्मा बहुत कौड़ा, किते जबान नूं लाया हो तुम्मी, विस जहर कौड़ा, अक तूरा निम कहंदे ने, तुम्मी तुम्मा विस अक तूरा निम फल, मन मुख वसै तिस जिस तू चेतना आ पाए। मिठा माही परमात्मा याद आ जाए कुड़तन गई, बंदा एक बचन रह जांदे नूं आखेगा हिरदे च ठंड पै जाएगी। इसे लिखे मिठा बोलन निव चलन हथों दे के भला मनावे। परमात्मा नूं कौड़ा बोलना आउंदा नहीं ते सिख नूं क्यों आवे। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौर। वो एक बंदा निम दियां गोलियां बेचे ते वेचन लगा, आखे कोड़े होके मरोगे नहीं ले ते मैं मुड़ के इत्थे आउणा नहीं। लोके एक सियाना कह लगा, तू तो शायद भी वेचे तेरे को कोई ना लवे, भलिया लोका एक वेचना पे निम कौड़ी ते एक तेरी जबान कौड़ी, कोई अकल कर जा पहले सिख के आ होका किवें देना। तुम्मी तुम्मा विस अकत धूरा निम फाले, मन मुख वसै तिस जिस तू चेतना आ पाए। कहिंदे ने मूड़ा विछड़ के चोटा खांदा, जिहड़ा किसे नूं चोटा मारेगा एक दिन अपने मूंह ते भी वजदियां ने। बुरा बोलेगा फल बुरा मिलेगा। हाँ जी, सतगुर कै पै भन ना कड़ियो, रहै अंक समाए। देखो गहना हो जाए ना पुराना, पौन जोगा ना बीबिया लै जांदियां सुनियारे को लै पाई, वो फिर उन्हें भन दे पहले फिर कर दे। ये जिहड़े विगड़े मन ने ना लै आईए गुरु को दिल दुखाउण वाले, गुरु पहले भनदा इन्हों भन के इन्हों घाट घटदा। जिहड़ा कह तिथे खड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे खड़ीए सुरां सिद्धा कहिंदे ने जा हुण सोहना लगेगा, हुण तेरी रसना सवर गई, कन्न सवर गए, जबान सवर गए, जिधर जाएगा जय जयकार अंदर रब बैठ के। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। हुण ते आगे सुख मेरे मेहता पाशे आनंद प्रभ कीता, सतगुर के पै भन ना खड़ो। जिन्ना सतगुरु दे पै विच अपना पुराना जीवन तोड़ के नवा नहीं घड़िया, मनमुखताई तोड़ के काम क्रोध नगर वो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा, ये करना की है पंच मनाए। सत संतोख दया धर्म तीर्ज मना ले, पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए, इन विद नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दड़ा। सतगुर दे पै विच भन के नहीं जीवन घड़िया। हां जी, आनंद न सहसा कदे न चूके, अंक विच समा सके। अंक की हुंदा जफे, गुरु दे अंक विच समा सके। अन दिन हर रोज सहसा वधदा, सहम वधदा मुकदा नहीं, बिन शब्द दुख पाए। शब्द का सहारा नहीं लिया, शब्द साथी नहीं बनिया, शब्द तो बिना दुख की प्राप्ति होंदी, जीवन दुखा नाल भर जांदा है। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, अंदर ते नाम सबला हो जांदा, विकार दब जांदे ने। पर कईयां दे अंदर काम बल वाला, सबला दर्थ है बल वाला, काम बलशाली हो गया बंदा हार गया, क्रोध बलशाली हो गया, लोभ अंदर है बलशाली हो गया। हां जी, नित धंधा करत विहाई, अर्थ है जंजाल, दिन रात बंधन ते बंधन होर पई जा रहे, पहले खुलदे नहीं होर पै जांदे ने, ये धंधा करदे हैं, दिन रात जंजाला में जीवन बतीत होता है। चरण कर देखत सुन थके, अर्थ पैर कर हाथ, देखत अखा सुन कान, ये सारे थक गए। एक आलम ने कहा से, वो कहंदा ये ते गए सारे, जिवें बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा
चबन दंद चलन लत्तां चबन चलन रतन ए दंद सुनियर बह गए हेड़े मोती तासे जानी चल गए होशो हवाश ताबो तवां दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले हैं समान तो गया समान ते चले आ गया असी भी तैयारी विच हुण बैठे हैं इते सारे गए सारे थक गए इंद्रिय थक गए देह मुक्के नेड़े आया मुक्कण दे नेड़े आ गया दिन जिन्ने दिन सन गिणती दे नेड़े आ गए कि हुण गिणती दे दिन ने डॉक्टर भी कई बार कह देंदे हुण सेवा कर लो घर ले जाओ बस हुण ते पता नहीं कि केड़े वेले पंखी उडारी मार जाए जिन्ने क हैं बंदे वो ते शामिल है चार ही सुआस रब दे नां नाल जोड़ लै हुण ही जाग जा नहीं ते शरीर ते जा रहे है मुक गए मुक्कण दे नेड़े आए हन सच्चा नाम ना लगो मीठा मिठे बकार लगदे रे पाप बुरा पापी को प्यारा सच्चा नाम मीठा नहीं लगा जेत नाम नव निद पाए नाम नाल नव निद नाम प्राप्त होना से जीवत मरे मरे फोन जीवे जिउंदे ही मर जाए ते मर मर के फिर जीवंदा जीवत मरे मरे फुल जीवा जीवंदिया मर जाए ओ किवें मरना है मौत ने मारिया ते की मारे शब्द मरो फिर जीवो सदहे तां फिर मरन ना हो शब्द द्वारा शरीर नहीं हौमे मरेगी शब्द द्वारा विकार मरन गए ते जीवन को देवेगा गुरु दा शब्द भाई नंद लाल जी कहंदे ने गुरु दे मुखार बिंद विच अमर होता आबे हयात सुखने मां कामल पेरे अस्त मेरा दिल मरिया सी मुर्दा सड़ांद आ रही सी दिल हाय मुर्दा रा बेकुनत जिंदा वो खलास गुरु ने नाम सिमरन दे के जिंदा कर देता हुण मेरा दिल जिंदा हो गया जीवत मरे मरे फुण जीवे ता मोख अंतर पाए मोख अंतर अंतर भेद मुक्ति दा भेद ता प्राप्त हुंदा है तुर कर्म ना पायो प्राणी तुरु ही बख्शिश जेड़ी मिलनी सी ओ कर्म बख्शिश प्राणी नु प्राप्त नहीं होए बिन कर्म क्या पाए पागा तो बगैर किस्मत तो बगैर की प्राप्त हो सकदा है तुर का शब्द संभाल तू मूड़े मूर्ख गुरु दे शब्द नु चेते कर संभाल दा अर्थ है याद कर चेते कर गात मात शब्द पाए उच्ची आत्मक अवस्था मत गुरु दे मत ए ताई शब्द द्वारा प्राप्त होवेगे नानक सतगुर तद ही पाए सतगुरु दी प्राप्ति ताही हो सकती है जां विच हो आप गवाए याद रखना दो कठे नहीं बैठ सकते हमे नामे नाल विरोध है दोए न वसे कठाए नाम ते हमे कठे नहीं रहने रात ते दिन कठे हनेरा ते सूरज कदी कठे रहे अमृत जहर कठे नहीं रहने गुरु दी प्राप्ति ता होवेगी हमे विचों गवा दे औड़ी जिस दे चित वसिया मेरा स्वामी औड़ी है के जिस ते चित विच मेरा मालिक वस गया तेसना क्यों अंदेशा किसे गल्लां दा लोड़ी है अंदेशा को एक है बंदे नु इसने खा छड़े है कल दी चिंता पता नहीं कल कैसा आवेगा की हो पिछे दा पछतावा अगे दी चिंता एक फिकर ए ते जमूरा नाल जिवें कोई मास तोड़ रही रात सौन ही सकता चिंता किसे पासे खिच दी है चिंत खटोला फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह वशामन ले ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे चिंता दा खटोला पर उस नु अंदेशा किसे गल दा क्यों लोड़िए क्यों वे उन पता कारण वाला करन कारण सिर ते है बच्चे नु जिवें मां कहंदी है तेनु चिंता करन दी की जरूरत मैं जिंदा जदों तक रब जदों तक जिंदा है रब ते मरदा नहीं मां बाप ते सदा नहीं रहने ते रब ते है
फिर रब दे प्यारे नू चिंता करन वाली केड़ी अंदेशा क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिदा। हर सुख दाता सबना गल्ला का, हर गल दा, हर सुख देन वाला सुखां दा दाता परमात्मा है। तेसनो त्याइंदिया केव निमख कड़ी मोह मोड़ी है। त्याइंदिया निमख अख चमकन जिन्ना समा वी ना मनमुख बनना चाहिदा ना मुंह मोड़ना चाहिदा। पाप जिस वेले कहने सुख चाहिदा, सुख ना, सुखा दे दाते नू याद कर, इच्छा नहीं, इच्छा पूर्क नू याद कर, उस नालों निमख कड़ी। आप थोड़ा जिहा चिर वी क्यों बेमुख होइए, क्यों मुंह मोड़िए, याद जरूर कर दे कम पैण ते। साहब कहंदे ने जदों नहीं कम उस वेले भी कितें बैठ जाया कर, उस वेले भी याद करिया कर। अज कम कोई नहीं, अज धन गुरु रामदास आया सिर्फ तेरा शुकराना करन वास्ते कि तू इन्ना दिता। कदी धनवाद करन वास्ते भी आ कि मंगन वास्ते ही आउणा, कदी इंज भी आ कि दातिया प्यार वास्ते आया, अज मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। ओ ध्यान रखेगा निमख भी मनमुख ना हो। हां जी, जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए। सुख आनंद सारे सुख कल्याण मंगल उस लई होवै जिन्हां ने परमात्मा नूं त्याया। नित संत जना की संगत मुंह जोड़ी है। करन वाला एक कम है, जे ऐसे भगतां विच रलना है संगत में जाके बैठ जाइए मुंह जोड़िए। मुंह जोड़न दा अर्थ की हुंदा है, उन्हां दे मुहार विचों जिहड़े बचन निकल रहे ने उन्हां नाल गल दी सांझ करिए। मुंह जोड़ना है बचना दी सांझ, गल कुछ करनी, कुछ सुननी, ये विचार करनी, एहो मुंह जोड़ना। संगत विच बैठिए, उन्हां नाल जुड़ के बैठिए। हां जी, सब दुख भुख रोग गए। उन्हां दे सारे दुख सारियां भुखां सारे रोग चले गए। सब जन के बंधन तोड़ी है। भाई दे सेवक दे कोई दुख भुख नहीं, सारे जना दे बंधन जेड़े ने तोड़े जांदे हन। हर कृपा ते हो आहार भगत हर। हरी दे भगत बनना चाहने हैं, कहंदे ने कृपा तो बना नहीं बनदा, अपने यतन नाल ते आज तक कोई नहीं बनया। जेड़ा समझे मैं करता, मैं कर लवांगा, हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार, करने हारा विसरिया दूजे भाए प्यार नहीं। मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए हंस भगतं भगत दानं। वो ते दान च मिलदा राम नाम गुण कीर्तन, जिन्ना नु भगत कीता भगत बनाया वो भगत हो गए। भगत जना के मोह डिठा जगत तरिया सब लोड़ी है। भगत जना दे दीदार कीतिया उन दे मथे लगे आवे सब चित तरिया भगतां डिठे। इंज समझो कि सारा जगत ही जड़ा है ये तर गया, लो लो लभ लो के जे तरिया जगत ते भगत जना दे मथे लग के उन्हां नाल जुड़ के उन्हां दे मूंह डिठे आ उन्हां दे मथे लगे आ सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे। हां जी, सब हां जी सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत हर, भगत जना के मोह डिठा जगत तरिया सब लोड़ी है। सर्वत संगतां दा धन्नवाद, धन गुरु रामदास, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, कोटान कोट शुक्र है सरबत दी हाजरी दर प्रवान करने, सरबत दा भला करना, कारज रास करने, आईयां संगतां झोलियां भर के तेरे दर तो जान। सरबत सारे सिंह साहिबान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरु के वजीर सारिआं दा धन्नवाद। फुल्लां दी खिमां जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।